आज यानी 17 अप्रैल के दिन दुनिया भर में ईस्टर संडे का जश्न मनाया जा रहा है। क्रिसमस की तरह ही ईस्टर को भी ईसाई धर्म का बड़ा पर्व माना जाता है। ईसाई समुदाय के लोगों की मान्यता है कि गुड फ्राइडे के बाद ईसा मसीह ईस्टर के दिन वापस लौट आए थे, यानी ईसा मसीह सूली पर चढ़ने के बाद दोबारा जीवित हुए थे। ये ईसा मसीह के चमत्कारों में से एक माना जाता है। प्रभु के दोबारा जिंदा होने की खुशी में ईसाई समुदाय के लोग इस दिन को खुशियों के तौर पर मनाते हैं। ईस्टर संडे के दिन ईसाई धर्म के लोग अपने परिवार संग चर्च में एकत्रित होते हैं और प्रार्थना में भाग लेते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को राजद्रोह के आरोप में सूली पर लटका दिया गया था। ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने जिस दिन अपने जीवन का बलिदान दिया था उस दिन शुक्रवार था। ये जानकारी बाइबल से मिलती है, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और कहा जाता है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी पहले संडे को ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। पुनर्जन्म के बाद ईसा मसीह करीब 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे। इसके बाद वो हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए। इसलिए ईस्टर का जश्न पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईस्टर पर्व 50 दिनों तक चलता है। यीशु का पुनर्जीवित होना ये इस बात का प्रमाण था कि सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। यानी गुड फ्राइडे को लोग जहां शोक मनाते हैं वहीं ईस्टर पर खुशियां लौट आती हैं। यीशु के जीवित होने की खुशी में आज के दिन ईसाई धर्म के लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। इसके अलावा बाइबल पढ़ते हैं। ईस्टर संडे के दिन असंख्य मोमबत्तियां जलाकर यीशु के भक्त उनके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करते हैं। तमाम लोग इस दिन चर्च के अलावा अपने घरों में भी मोमबत्तियां जलाते हैं। आपको बता दें कि ईस्टर संडे के दिन अंडों से सजावट की जाती है, क्योंकि अंडे को बहुत ही शुभ माना जाता है। अंडे नया उत्साह और नई उमंग से भरने का संदेश देता है। ईस्टर के दिन कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन इन सब में ईस्टर एग की अपनी खास जगह है। इस दिन लोग एक दूसरों को अंडों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। कहा जाता है कि स्वयं ईसा मसीह ने उन्हें कष्ट पहुंचाने वाले लोगों को माफ कर दिया था। इसी तरह ईस्टर संडे का पर्व शत्रुता भुलाकर क्षमा करने का संदेश देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।